भारत रहस्यमयी मंदिरों के खजाने से भरा पड़ा है। हालांकि इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कई बार पुरातत्व विभाग ने कोशिशें की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। फिर बात चाहे बक्सर में बात करती हुई मूर्तियों के मंदिर की हो, या फिर उड़ीसा में गर्म तापमान के बीच भी एसी जैसे वातावरण वाले शिव मंदिर की, इनके रहस्य आज भी बरकरार हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर है बिहार के औरंगाबाद जिले का देवार्क मंदिर। इसकी महिमा अद्भुत है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसने खुद ही अपनी दिशा बदल दी थी। इस मंदिर के बारे में और भी कई प्रचलित कथाएं हैं। क्या है इन कथाओं के पीछे की सच्चाई, चलिए जानते हैं। देव सूर्य मंदिर, जिसे देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित सूर्य देव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह सूर्य मंदिर दूसरे सूर्य मंदिरों की तरह पूर्व की ओर नहीं बल्कि पश्चिम की ओर स्थित है। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी बेहतरीन शिल्प कला का उदाहरण है। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण काल 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का है, जबकि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसका निर्माण त्रेता या द्वापर युग के बीच हुआ था। ये सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है आपका। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है, 43 सूर्य भगवान है। और ये निर्माण काल में लिखा हुआ है कि त्रेता युग का मंदिर बना हुआ है, जो 9.5 लाख पुराना वर्ष बीत चुका है। और सूर्य जो है से पूरे भारतवर्ष में कोणार्क जो है सूर्य मंदिर उड़ीसा, उसके बाद दूसरा स्थान देव मंदिर ही रखता है आपका। कोणार्क में जब जाएंगे तो मंदिर का मूर्ति नहीं है, खाली मंदिर का ढांचा बना हुआ है। यहाँ मंदिर है, मंदिर का ढांचा भी बना हुआ है। किस किस काल में किन की पूजा करते हैं वो भी हम अभी बता रहे हैं आपका। बिहारी बता कि आप पूरे बिहार का समझिए कि ये वन पीस एक मंदिर है, जो पश्चिमाभिमुख मंदिर भी है और बहुत पुरानिक है। 9.5 लाख पुराना वर्ष कोई मंदिर नहीं जो यहाँ है। कहते हैं एक बार औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता हुआ औरंगाबाद के देव पहुंचा। वो मंदिर पर आक्रमण करने ही वाला था कि वहां के पुजारियों ने उससे अनुरोध किया कि वो मंदिर न तोड़े। कहते हैं कि पहले तो औरंगजेब किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ, लेकिन बार बार लोगों के कहने पर उसने कहा कि यदि सच में तुम्हारे भगवान हैं और इनमें कोई शक्ति है तो मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में हो जाए, यदि ऐसा हो गया तो मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा। स्थानीय निवासी के मुताबिक औरंगजेब पुजारियों को मंदिर के प्रवेश द्वार की दिशा बदलने की बात कहकर अगली सुबह तक का वक्त देकर वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद पुजारी काफी परेशान हुए और रात भर सूर्य देव से प्रार्थना करते रहे कि वो उनके वचन की लाज रख लें। कहते हैं कि इसके बाद जब पुजारी अगली सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार तो दूसरी दिशा में हो गया है। तब से देव सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में ही है। इसके अलावा इस मंदिर से और भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि सतयुग में इक्ष्वाकु के पुत्र राजा एल को, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, शिकार खेलने गए थे। तभी उन्हें भयंकर प्यास और गर्मी लगी। तब राजा एल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए देव स्थित तालाब का पानी पीकर उसमें स्नान किया। मान्यता है कि स्नान के बाद उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा खुद भी इससे काफी हैरान हुए। लेकिन उसी रात राजा को सपने में सूर्य देव के दर्शन हुए कि वो उसी तालाब में है जहां से उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ है। इसके बाद राजा ने उसी स्थान पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। कहते हैं कि उस तालाब से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी मूर्तियां मिली, जिन्हें राजा ने मंदिर में स्थापित करा दिया। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में कृष्ण के पुत्र साम द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। साम की कथा के अलावा देवी अदिति ने भी यहाँ पूजा की थी। मंदिर से जुड़ी एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे, तब देवी अदिति ने तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए देवारण्य में 6ठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर 6ठी मैया ने उन्हें सभी गुणों से युक्त तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। इसके बाद अदिति को त्रिदेव के स्वरूप आदित्य भगवान नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्होंने दैत्यों पर विजय पाने में देवताओं की मदद की। कहा जाता है कि तभी से देवसेना
षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव पड़ गया और छठ की प्रथा भी शुरू हो गई। ज्ञात हो कि पूरे विश्व में देव से ही शुरू होकर छठ पूजा पूरे विश्व में आज मनाई जाती है। बिहार यूपी झारखंड के जितने भी श्रद्धालु हैं जो हमारे देव में आते हैं, तकरीबन प्रत्येक वर्ष 10 से 15 लाख लोग यहां पे अर्घ दान करने आते हैं, लेकिन इस बार संख्या 20 लाख के पार होने की संभावना है और अपार भीड़ यहां पर पहुंच रही है। मान्यता है कि भगवान भास्कर की धरती देव में जो सूर्य मंदिर है, इसकी महत्ता इतनी बताई जाती है कि यहां पे जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आती हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी के उपलक्ष्य में लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे अर्घदान करने और छठ व्रती अपने छठ करने देव धाम पहुँचते हैं। आस्था और श्रद्धा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बता दूं कि पूरे विश्व में देव ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे पहले छठ पूजा मनाई गई थी और इसकी महत्ता आज पूरे विश्व में फैल चुकी है। यहाँ छठ पर्व के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे खास तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मान्यता है कि आज तक कोई भी भक्त इस मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटा है। सूर्यदेव लोगों की कामनाएं जरूर पूरी करते हैं और भक्त भी छठ पूजा के दौरान यहां सूर्यदेव को अर्घ देना नहीं भूलते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।